ओहो भाई, अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज बन के तैयार है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, जो कि हम ये माचिस की मदद से बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, हमें इन सभी का इस्तेमाल करना होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वायर हमने किस तरह कट की है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह इसे कट करना होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाने के लिए। उनमें से ढेर सारे तो फेल रहे, फाइनली ये एक एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ नाइक्रोम वायर की मदद से ही बना सकते हैं, अदर वायर की मदद से नहीं बनाएंगे। तो हम नाइक्रोम वायर ये रेजिस्टेंस से निकाल रहे हैं। आप देख सकते हो हमने किस तरह इसे निकाला है। चाहो तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, इसमें नाइक्रोम वायर लगेगा, इसीलिए इसका हुक की तरह मोड़ लेंगे, क्योंकि अदर वीडियोज़ में बताया जाता है कि माचिस को ऊपर से कट करके इसमें नाइक्रोम वायर फिट किया जाए तो वो सक्सेसफुल नहीं होता दोस्तों। कभी माचिस की तीली निकल जाती है तो कभी कुछ नाइक्रोम वायर घसर जाता है। हम कुछ नया इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको नॉलेज पूरा मिले। अधूरा नॉलेज जहर की तरह होता है और जहर हानिकारक होता है, ये तो आपको पता ही है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इस साल इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की मदद से क्रैकर इग्नाइट कीजिए, है ना मज़ेदार। तो चलो अभी फ्यूज़ कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम नाइक्रोम वायर को तारों से लपेट देते हैं। इसे तार लपेटने के बाद अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, सबसे पहले ताकि हमें आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। तो टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए अडेप्टर 12 वोल्ट का, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और 12 वोल्ट ही लीजिए दोस्तों, इससे कम वाला काम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस पर भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। अरे वाह दोस्तों, अपना एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो लाइक तो बनता है। तो दोस्तों, अभी हम दूसरा इसी तरह से एक और बना लेते हैं ताकि आगे की प्रोसेस कर पाए। अब आता है मेन पार्ट इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम दो चार माचिस की तीलियां लेके उसका ऊपर का मसाला निकाल लेते हैं इस कच्ची की मदद से। माचिस का मसाला अच्छे से बारीक करने के बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी टेप की, इसलिए हम 1 इंच टेप का टुकड़ा काट लेते हैं। अब इसके बीचों बीच हमें ये वायर को रखना है दोस्तों, और इसके ऊपर माचिस का मसाला डाल देना है। अब इस टेप को हम अच्छे से पैक कर लेंगे ताकि इसमें से एयर पास ना हो सके। हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज बनके तैयार है दोस्तों, और हम इसकी टेस्टिंग यहीं पे करेंगे। इसमें माचिस की बारूद लगी है दोस्तों, तो थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए इसे इसके अंदर फिट करके लगाते हैं, जलाते हैं और देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। यहाँ पर नहीं हो रहा, चलो इसे ऐसे ही टेस्ट करके देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ताकि आगे आने वाले ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आपको मिल सके और आप वो देख सके।
ओह भाई, अपना इलेक्ट्रिक फ्यूज बन के तैयार है। लाइक और शेयर जरूर करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।